नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। यूपी 2022 विधानसभा चुनावों का अभी भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। सूबे के सियासी रण में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दल खुलकर मैदान में उतरकर माहौल बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ चुनावी एजेंडा भी सेट करने में लगे हैं। अपने खोए हुए सियासी जराधार को वापस लाने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म स्थली हापुड़ के नूरपुर से पश्चिम यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को लखनऊ से 2022 के लिए चुनावी हुंकार भरा। वहीं सूबे में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन तलाश रही प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ यानी कि वाराणसी में भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत का एहसास करवाया, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पश्चिम यूपी की सहारनपुर से चुनावी बिगुल फूंक दिया। अखिलेश मंगलवार को रथ पर सवार हो रहे हैं। इसी दिन समाजवादी नेता रहे राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि भी है। वहीं इन नेताओं के अलावा सूबे में छोटे छोटे दल भी आपस में हाथ मिलाकर बड़ी ताकत बनने के लिए सक्रिय हैं। मायावती ने बसपा संस्थापक काशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल मैदानी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान मायावती एक तरफ अपने कोर वोट बैंक दलित समुदाय को बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दल सपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सावधान रहने की अपील कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विकास और रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव सेट करती हुई नजर आ रही हैं। मायावती ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 2022 में अगर हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं के रोजगार की दिशा में काम करेंगे, ताकि प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी के लिए पलायन न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोजगार हमारा प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा, जिसे लेकर बसपा 2022 में चुनाव में उतरेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसान, दलित और मुसलमानों के इर्द गिर्द ही अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी ने ये साफ कर दिया कि सूबे में किसानों की लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगी और उन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहेंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदू वोटों के साथ साथ मुस्लिम और सिख वोट कांग्रेस के मुख्य एजेंडे में रहेंगे। अखिलेश यादव ने भी अपने चुनावी अभियान का आगाज सहारनपुर की रैली से कर दिया है और मंगलवार को सुबह में रथ लेकर रवाना हो रहे हैं। अखिलेश इस बार खुलकर मुस्लिम कार्ड खेलने के बजाय विकास के एजेंडे पर अपना ताना बाना बुन रहे हैं। अखिलेश यादव युवा वोटरों को साधने के लिए रोजगार को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में हम सत्ता में आएंगे तो बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जाट और मुसलमानों को जोड़ने के मिशन पर इन दिनों जुटे हुए हैं, जिसके लिए पश्चिम यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा के जरिए मुजफ्फरनगर दंगे से बिगड़े सामाजिक ताने बाने को दोबारा से बुनना चाहते हैं, ताकि 2022 के चुनावों में बीजेपी से मुकाबला कर सके। आरएलडी के प्रमुख चुनावी एजेंडे में किसान मुख्य हैं, जिसके लिए अपने घोषणा पत्र में किसानों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को शामिल करने का वादा भी किया गया है। यूपी में अभी बीजेपी की योगी सरकार है। सूबे के मुखिया योगी पिछले 5 सालों में और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार कमजोर हो रही हैं। विपक्षी पार्टियों का किसी भी कीमत पर बीजेपी को यूपी में रोकना चाहती है, इसीलिए सपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस, सभी अपने अपने हिसाब से बीजेपी को रोकने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।